हेलो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरे साथ अभी हुआ है। मैं आया हूँ ग्लोरी ऑटोमोबाइल मुकेश की, वहाँ आप जाती है। एक्चुअली ये स्कूटर वॉक करने के लिए स्ट्रीट रैली आप देख ही रहे हो। पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो हुआ है यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मतलब कोज इंडिया फैमिली का एक मेम्बर यहाँ पर है, और उन्होंने मुझे अजीब सा एक रिक्वेस्ट किया है कि ऑटोग्राफ लेने के लिए। एक्चुअली मैं सेल्फी आप लोगों के साथ बहुत बार क्लिक करता हूँ, लेकिन ऑटोग्राफ मैंने ज़िंदगी में अभी तक नहीं दिया। तो ये मेंबर कोज इंडिया का फैमिली मेंबर, इन्होंने कहा कि ऑटोग्राफ बहुत। आपका नाम क्या है? अजय कुमार राव। कोज इंडिया आप देखते हो, सब्सक्राइबर हो, कितने दिन से? एक साल के आसपास। कौन सा बाइक या स्कूटर राइड करते हो? साइन एसपी। माइलेज बोलिए पहले। माइलेज हम जानते हैं 49 के आसपास। 49 माइलेज से है, लेकिन मुझे ठीक से चलाने नहीं आता। जितना आता है उसमें ज्यादा क्लच ब्रेक दबाने के लिए, मतलब आसपास 50 के आसपास आपको मिल जाता है। ओके, तो आपने मुझसे ऑटोग्राफ क्यों मंगा? सेल्फी तो ठीक है, मैं हैबिचुएटेड हूँ, लेकिन ऑटोग्राफ मैंने सेल्फी फोन में डिलीट भी हो सकता है, लेकिन वो डायरी में रहेगा तो मिल सकेगी। ओके बॉस, हाँ ये मेमोरी रहेगा। ओके, ये एक्चुअली एक अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, फर्स्ट टाइम है। फिर भी थैंक यू इतना प्यार देने के लिए चैनल को और मुझे। चलिए मैं ऑटोग्राफ देता हूँ आपको। ओके बॉस, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए करते हैं ये यामाहा स्ट्रीट रैली का एक वॉक अराउंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया, मैं हूं चंदन। आज हम देखेंगे यामा रेजिडर जो है उसका अपग्रेड वर्सन 2018 एडिशन यामाहा रेजिडर स्ट्रीट रैली। अभी ठीक है कि नहीं ये मैं जरूर बताऊंगा, मेरा ओपिनियन क्या है मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टायर्स एंड व्हील्स। सामने और पीछे 10 इंचेस अलॉय व्हील इसमें है विद ट्यूबलेस टायर, और जो व्हील बेस है ये है 1270 mm। सस्पेंशन सामने टेलीस्कोपिक और पीछे स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन इस स्कूटर में है। और अब हार्ट ऑफ द स्कूटर इंजन 113cc 4-stroke 2-valve SOHC एयर कूल्ड BS4 कार्बोरेटर इंजन इसमें है विथ ब्लू कोट टेक्नोलॉजी। ये हमारा पेटेंटेड जो ब्लू कोट टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये इंजन है, और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है 7.1 PS एट द रेट 7500 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क 8.1 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 RPM। सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग मैकेनिज्म इस स्कूटर में है, लेकिन इंजन किल स्विच ये नहीं है, ये TVS इंटॉर्क में है, लेकिन इंजन किल स्विच इस स्कूटर में आपको नहीं मिलेगा। और आप देखते हैं ब्रेक्स, सिंगल डिस्क ब्रेक इसमें है, हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक सामने है, और सामने जो डिस्क ब्रेक है इसका साइज है 170 mm, और पीछे ड्रम ब्रेक है।
और इसमें एक अपडेट फीचर है, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल। पहले एनालॉग था लेकिन अभी फुल्ली डिजिटल इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इस स्कूटर में मिलेगा। और 5.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ जो माइलेज आपको मिल सकता है ये है अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन फ्यूल टैंक एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, अंडर सीट है। और इसमें सिंगल पीस वाइड कंफर्टेबल वेल कुशन सीट स्कूटर में है विथ ग्रैब रेल। ये ग्रैब रेल मेटल का है, कास्ट आयरन का है, बहुत ही हार्ड है, सॉलिड है। तो ये ग्रैब रेल के साथ आपको ये स्कूटर मिलेगा। तो ये ग्रैब रेल स्कूटर में है, ग्रैब रेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये आपको इस स्कूटर में मिल जाएंगे। और अब सीट ओपन करते हैं। सीट ओपनिंग का स्विच ये साइड में है और अंडर सीट स्टोरेज जो है ये है अप्रॉक्सीमेट 21 लीटर्स। स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है लेकिन बूट लैंप नहीं है और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको ये अंडर सीट नहीं मिलेगा। एक्चुअली पूरा स्कूटर में ही आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा, तो नो बूट लैंप, नो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट। और इस सीट का जो हाइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 775 mm। तो ये हाइट काफ़ी डिसेंट है, आपका हाइट अगर एवरेज हो तो आप आराम से ये स्कूटर राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी ठीक ठाक है, सामने इनफ लेग स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ इस स्कूटर में आपको हैलोजन 35 वाट का हैलोजन बल्ब हेडलैम्प और बल्ब टेल लैम्प भी मिलेगा, कोई LED हेडलैम्प या LED टेल लैम्प नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ये इंडिकेटर स्विच को लेके, ये इंडिकेटर स्विच कुछ इंटॉर्क की तरह है, TVS इंटॉर्क की तरह है। अगर आप ये इंडिकेटर स्विच बाएं या दाएं तरफ ऑन करोगे तो फिर वापस लाने के लिए आपको ये पुश या पुल करना नहीं पड़ेगा, बीच में पुश करने से ही ये फिर न्यूट्रल पोजिशन में आ जाएगा। तो ये बहुत ही एडवांटेज है। ऐसा स्विच TVS इंटॉर्क में है लेकिन अब यामा रेजेडा 2018 स्ट्रीट रैली एडिशन में भी आपको मिलेगा। और 130 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ जो कार्बोइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 103 kg। और ये स्कूटर आपको दो कलर ऑप्शन में मिलेगा, एक है रेसिंग ब्लू और दूसरा है रैली रेड। ये जो कलर आप देख रहे हो ये है रैली रेड कलर। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। और इस स्कूटर के साथ एक और स्कूटर है जिसके साथ टफ कंपटीशन होने वाला है, ये है होंडा डियो डीलक्स वर्सन, वो भी अपग्रेड वर्सन है विथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो मैं आगे आपको एक जरूर कंपटीशन दिखाऊंगा होंडा डियो डीलक्स वर्सन के साथ ये यामा रेजेडा स्ट्रीट रैली एडिशन का। और अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस कितना है। ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता जो है ये है अप्रॉक्सीमेट 72,000 ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। अप्रॉक्सीमेट शोरूम टू शोरूम थोड़ा बहुत वैरी करेगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट प्राइस यही है 72,000। तो इस प्राइस में क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊँगा मेरा ओपिनियन क्या है। एक्चुअली ये जो लुक्स है ओवरऑल यंगस्टार को ये लुक्स बहुत ही पसंद आएगा, काफ़ी स्पोर्टी और एजी लुक है। लेकिन आज के डेट में मुझे कुछ पॉइंट मिसिंग लगा इस स्कूटर में, जैसे कि इंजन गियर स्विच, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये TVS इंटॉर्क में है लेकिन इस स्कूटर में नहीं है। दूसरा है ब्रेकिंग सिस्टम, सिंक ब्रेक, TVS का सिंक ब्रेक, होंडा का कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा, या फिर हीरो का इंटीग्रेटेड ब्रेक, ऐसा कोई ब्रेकिंग सिस्टम इसमें नहीं है, ब्रेकिंग नॉर्मल है। तो ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये स्कूटर कुछ खास नहीं लगा। और अगला जो बात है ये है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट और बूट लैंप, ये दोनों ही होना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हेडलैम्प और टेल लैम्प दोनों ही बल्ब है, कोई भी LED बल्ब नहीं है, या फिर डिज़ाइन भी मुझे कुछ अलग नहीं लगा। तो हेडलैम्प और टेल लैम्प ये मेरे लिए एक माइनस पॉइंट है LED ना होने के कारण। और इसके साथ रियर डिस्क ब्रेक कोई ऑप्शन नहीं है, वेरिएंट नहीं है, ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। और अगला जो नेगेटिव पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूँ हर एक कंपनी से, होंडा से, अभी मैं यामा से बोल रहा हूँ कि फ्यूल फिलिंग सिस्टम ये अंडर सीट है, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसे प्लीज़ बाहर कर दीजिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, नहीं तो हर बार सीट ओपन करना पड़ेगा। और इसका तो सीट ओपनिंग स्विच सामने भी नहीं है, सीट ओपनिंग जो लॉक है ये साइड में है, तो जब भी आप फ्यूल फिल करोगे तो बार बार सीट से उतर कर ये लॉक ओपन करके आपको फ्यूल फिल करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत वाली बात है मेरे लिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगला नेगेटिव पॉइंट आपके लिए हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं, ये है फाइबर बॉडी। अच्छा है, लाइट वेट है, कार्बोइट अप्रॉक्सीमेट 103 kg, तो मुझे ये नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, लेकिन किसी को ये फाइबर बॉडी होने के कारण ये एक नेगेटिव पॉइंट लग भी सकता है। और प्राइस, ये जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 72,000 ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता, ये मुझे थोड़ा लिटिल बिट हाई लगा।
क्योंकि होंडा डियो डिलैक्स उसका प्राइस थोड़ा बहुत कम है इससे, तो क्यों ना होंडा डियो डिलैक्स, दोनों ही इंटरनल फ्यूल फिलिंग सिस्टम के साथ है, तो ये प्राइस या हमारे जेड आर स्ट्रीट रैली का प्राइस मुझे थोड़ा हाई लगा। अगर बिलो 70,000 रुपीज़ होता तो फिर भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में बोल सकता था, लेकिन ये जो प्राइस है अप्रोक्सीमेट 72,000 ऑन प्राइस इन कोलकाता, ये मुझे लिटिल बिट हाई लगा। और इलेक्ट्रिकल्स के मामले में मुझे एक पॉइंट अच्छा नहीं लगा, ये है पासिंग लाइट स्विच, ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन पर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप किसी और स्कूटर के साथ कंपैरिजन देखना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वो कंपैरिजन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और बाइक या स्कूटर चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। तो आपको ये स्कूटर कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताएं। और अगर आप ये स्कूटर खरीदना चाहते हो, लुक्स के ऊपर आप अगर मेनली फिदा हो तो आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन खरीदने से पहले एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए। अकॉर्डिंग टू योर हाइट कितना कंफर्टेबल है, आप कितना हैंडल कर पा रहे हो कंफर्टेबली, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए पहले, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक रिलेटेड ए टू जेड वीडियो रेगुलरली देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए खोज इंडिया। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। और आप बाइक या स्कूटर चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।